सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी एज 10 ईयर्स से कम है तो आप इस वीडियो को ना देखें, लेकिन अगर आप फिर भी इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो कृपया अपने दोस्तों के साथ रहकर और दिन में इस वीडियो को देखना, क्योंकि गाइज रात में और अकेले में इस वीडियो को मैं आपको देखने के लिए बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है कल रात के 12 बजे से। कल रात को 12 बजे मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके गेम ओपन किया। उस समय जैसे ही मैंने गेम ओपन किया, मेरे एक दोस्त ने मुझे कस्टम रूम के लिए इनवाइट किया। मैं कस्टम रूम में चला गया, सब अपना माइक हेडफोन ऑफ करके कस्टम रूम मजे से खेल रहे थे। मैं भी गाइस पीक पे लैंड किया था। लैंड करने के बाद एलसेप की साइड से थोड़ा बहुत लूट करके मैं पीक की साइड हवेली जो रहता है, ये देख सकते हो बैकग्राउंड में आप लोग, हवेली की साइड में जा रहा था। हवेली की साइड गाइस जा रहा था कि मैं थोड़ा बहुत और लूट कर सकूँ और उसके बाद फिर मैं फ़ाइट करूँगा। बट वहीं पर गाइस मेरी नज़र पड़ती है अलाइव पे कि गेम में सिर्फ 23 प्लेयर्स अलाइव है, ऊपर आप लोग देख सकते हो। और यही नहीं गाइस, गेम में सिर्फ 23 प्लेयर्स तो अलाइव थे और वहीं पे जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, यहाँ पर बंदे एलिमिनेट होने लग गए। आप लोग देख सकते हो, 3 बंदे मतलब गाइस लगातार एलिमिनेट हो गए। मैं सोचने लगा यहाँ 50 प्लेयर्स आए हैं, उसमें से भी बंदे एलिमिनेट क्यों हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर को गाइस डर गया, ऐसा मतलब दिल में से ऐसा धक धक होने लगा। मैं सोचा कि गाइस ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किस कस्टम रूम में मैं आया हूँ, यहाँ पे बंदे एलिमिनेट क्यों हो रहे हैं, जबकि पीक में फाइट होना चाहिए। फाइट से अभी तक सिर्फ 1 किल आया था, जबकि किल से ज़्यादा बंदे एलिमिनेट हो रहे थे। मैं गाइस ऐसा डर गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम ऐसा डर लगने लग गया। फिर मैं यही नहीं गाइस, जब आगे बढ़ने लगा, इस साइड में आगे बढ़ा कि मैं इधर कुछ लूट कर लूँ, जैसे ही मैं आगे जा रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त उधर पीक की हवेली की साइड गया और वहाँ पर एलिमिनेट हो गया। देख सकते हो आप लोग, पीक में जो टूटा फूटा घर है वहाँ पर मेरा एक दोस्त गया और एलिमिनेट हो गया। और इसके बाद थोड़ी ही देर बाद मेरे दोनों दोस्त गए वहाँ पर और वो दोनों भी मतलब एलिमिनेट हो गए। फिर गाइस मैं पूरी तरह से डर गया था, बट फिर भी मैं सोचा कि इधर जाकर एक बार देखूँ आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर मैं इधर गया, जब हवेली के आसपास ये गाइस टूटी हुई घर जो है इसके आसपास में गए, यहाँ पर एक डेथ बॉक्स दिखा मुझे, देख सकते हो। मैं फिर यहाँ पर बिल्कुल आसपास चेक करने लगा, कोई बंदा है तो नहीं ना। फिर मैं बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो 1-2 किल ने मारने लगे, तब मैं थोड़ा सा शांत हुआ। बट यही नहीं गाइस, जब मैं यहाँ चढ़ने लगा तो यहाँ पर डेथ बॉक्स जो पड़ा हुआ था गायब, देख सकते हो यहाँ पर डेथ बॉक्स जो पड़ा हुआ था वो गायब दिख रहा था। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स दिख रही थी, फिर मैंने इनके ऊपर जूम किया, जूम करने के बाद ये काफ़ी डरावनी पेंटिंग दिख रही थी। स्कल मास्क टाइप, स्कल टाइप दिख रहा था। यहाँ पे कोई लड़की जो कि मतलब रस्सी से ऐसा लग रहा था आत्महत्या कर रखा है इसने। फिर मैं डर गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ऊपर साइड जाते गया। और जैसे ही मैं ऊपर आया, ऊपर मुझे फिर से 2-3 डेथ बॉक्स देखने को मिला। फिर से वही लड़की जो वहाँ पे जो पेंटिंग दिख रही थी, वही सेम लड़की वापस से यहाँ पर देखने को मिली। फिर मैं यहाँ पे तो गाइस सच्ची में इतना ज़्यादा डर गया था कि भाई मैं सोचा कि यहाँ से अब भाग जाऊँ। यहाँ मैं फिर आसपास देखने लगा घुमाकर स्क्रीन को कि यहाँ पर कोई है तो नहीं ना, क्योंकि बंदे एलिमिनेट क्यों हो रहे थे मैं ये देखने आया, मेरे दोस्त लोग कैसे एलिमिनेट हो गए। फिर यही नहीं गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पर इधर उधर देखा कोई नहीं था और बाहर निकला तो यहाँ पर एक बंदा देख सकते हो, एक ये नॉर्मल एडम है जो कि अपना अभी प्रीमिस नेम हो चुका है, यहाँ पर एडम खड़ा था जिसके हाथ में कोई गन नहीं। मैं गाइस देखकर डर गया कि यहाँ पर जब मैं आ रहा था तब तो कोई बंदा था नहीं, जैसे ही मैं बाहर निकला ये बंदा यहाँ कैसे। फिर मैं गाइस यहाँ पे वापस देखने लगा कि ये हिल भी नहीं रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ना इसके हाथ में गन है। मैं गाइस यहाँ से भागने का सोचा, मैं यहाँ से भाग चलता हूँ। फिर मैं यहाँ से जैसे ही आगे गया, यहाँ पर वापस रुक कर देखा क्या वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं, बट वो मेरे पीछे नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ से सोचा अब मैं भाग चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे दोस्त लोग तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बंदे भी एलिमिनेट हो गए। बट जैसे ही मैं इधर आए, यहां पे गाइस मुझे क्या देखने को मिला, फायरिंग, देख सकते हो ये फायरिंग साउंड आने लगा। मैं इधर उधर देखने लगा ये फायरिंग साउंड कहाँ से आ रहा है, फिर मुझे पता चला ये इस पत्थर के अंदर से आ रहा था, क्योंकि साउंड देख सकते हो यहीं से आ रहा है। मैं इधर देख रहा हूँ बंदा है नहीं और यहाँ से फायरिंग हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा पत्थर के अंदर जाकर फायरिंग कर सकता है। मैं राइट लेफ्ट अच्छे से देखने लग गया कि कोई एनिमी तो नहीं है, बट जैसे ही फिर मैंने अपना स्क्रीन पीछे घुमाया मुझे कुछ ये देखने को मिलता है, देख सकते हो
मेरे पीछे सेम वही बंदा जो वहाँ पे था यहाँ पे खड़ा। फिर जब मैंने इसका किल किया तो देख सकते हो इसका क्या नेम, आई एम गोस्ट। इस समय को गाइज मैं सीरियसली इतना डर गया कि ये बंदा वहाँ से यहाँ पर आ गया कैसे, जबकि इससे पहले मैं यहाँ आया और इसका नेम था आई एम गोस्ट। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं गेम को बैक कर लिया और जैसे ही मैं लॉबी में आया उस बंदे का रिक्वेस्ट आने लग गया, यहाँ पर देख सकते हो आई एम गोस्ट, उसका इनवाइट आने लगा। मैं सोचा गाइज ये बंदा क्यों मुझे अब इनवाइट करने लग गया। फिर गाइज उस टाइम पे सीरियसली मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके ग्रुप में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट वो इतनी बार इनवाइट कर रहा था कि उसके बाद मैं फाइनली चला गया। और जैसे ही मैं उसके ग्रुप में गया उसने टीम को प्राइवेट कर लिया। टीम को प्राइवेट करते से ही हम दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हुई। मैंने इधर से लिखा हेलो, वो इधर से लिख रहा है यू किल मी, मैं फिर लिखा आई एम सॉरी, बट उधर से वो जो रिप्लाई देता है वो बोलता है नो सॉरी आई एम गोस्ट। और ये पढ़ने के बाद मैं तुरंत उसका ग्रुप लेफ्ट कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी डरा हुआ था और वो इस तरीके की बातें कर रहा था। बट जैसे ही मैं उसका ग्रुप लेफ्ट किया अगेन वो मुझे फिर से इनवाइट करने लगा और फिर से मैं उसके एक इनवाइट पे नहीं गया तो वो मुझे फिर से बार बार इनवाइट करने लगा। बट मुझे लगा कि वो शायद जोक कर रहा था, मतलब मजाक कर रहा था कोई बंदा होगा। तो उसके ग्रुप में मैं अगेन गया और ग्रुप में जाने के बाद फिर से मैंने उसको मैसेज किया व्हाई यू आर जोकिंग, तुम क्यों ऐसा जोक कर रहे हो। फिर उसने उधर से रिप्लाई दिया आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल गोस्ट हूँ। मैं बोला व्हाट, फिर वो उधर से मैसेज करता है आई फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। मैं सोचा ये मेरा पीछा क्यों करेगा। फिर इसके बाद जो गाइज वो उधर से रिप्लाई देता है, वो रिप्लाई देता है जस्ट वेट एंड वॉच। गाइज मैं ये देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि अगेन मैं उसका ग्रुप लेफ्ट करके और इसके बाद मैं सीरियसली गाइज गेम को कट करके चला गया। सो गाइज वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइज अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो गाइज अगर इस वीडियो पे 20,000 likes आ जाते हैं, 20,000 likes, तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो सभी बंदे गाइज इस तरीके से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। एंड गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो गाइज अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।